नमस्कार, उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। उत्तराखंड में कई प्राचीन मंदिर हैं। पौराणिक मान्यताओं व ग्रंथों में उत्तराखंड को कई देवी देवताओं का निवास स्थल बताया जाता रहा है। यही वजह है कि इसे देवभूमि भी कहा जाता है। देवभूमि में स्थित ऐसे ही प्राचीन मंदिर में से है केला घाट और तुतुल्या महादेव मंदिर। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ओल्ड राजपुर के पूर्वी किनारे पर बहती है ऋषिपर्णा नदी, जो अपने आसपास इतिहास के ताने बाने को समेटे हुए है। ऋषिपर्णा के दाएं तट पर और राजपुर चौक बाजार के पीछे की तरफ पहाड़ी ढाल पर प्राचीन मंदिरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। कच्चे रास्ते से होते हुए घास मंडी के पास कैलाघाट बैराज है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में रानी कर्णावती ने करवाया था। बाद में अंग्रेजों ने इस बैराज की देखरेख का काम किया। वर्तमान में इस बैराज पर लोहे की मोटी सांकले पुली से जुड़ी है, जो बैराज के दरवाजों को खोलने और बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस बैराज से ही जुड़ी राजपुर नहर आज उत्तराखंड के सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, जिसका निर्माण कार्य अंग्रेजों ने 1840 में शुरू करवाया था। बैराज के दूसरी तरफ आम और लीची के घने बगीचे मौजूद हैं। इन बगीचों के बीच स्थित है कैलाघाट शिव मंदिर। मंदिर की दीवारों पर लगभग 200 साल पुराने भित्ति चित्र बने हुए हैं, जो गढ़वाल शैली की चित्रकला का अद्भुत नमूना थी, जिन पर चूना पोत दिया गया है और मंदिर की दीवारों पर लगे भित्ति चित्र नष्ट हो गए हैं। कैलाघाट मंदिर से थोड़ा नीचे शहर की ओर तुलतुलिया मंदिर है, जो लगभग 200 वर्ष पुराना है। आज इस मंदिर तक जाने के लिए लोहे का एक अस्थाई पुल बनाया हुआ है। वर्तमान में इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसका नाम महादेव महाकालेश्वर रख दिया गया है। मंदिर में स्थित शिवलिंग की पुनर्स्थापना की गई है, जो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी से प्राप्त विशेष शिवलिंग होते हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। मंदिर के भीतर जल संग्रहण की सुंदर बावड़ी है, जिसमें आज भी पानी मौजूद है। मंदिर के बावड़ी से जलधारा समीप ही स्थित हनुमान मंदिर से धीरे धीरे, या स्थानीय भाषा में कहें तुल तुल कर गिरती थी, जिसके कारण इस मंदिर का नाम स्थानीय भाषा में तुलतुलिया पड़ा। आज हम ऋषिपर्णा नदी घाटी के किनारे बसे प्राचीन तुलतुलिया मंदिर में है और इस मंदिर का अब नवनिर्माण हुआ है, जिसको अब महादेव महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं राम सिंह जी से, जो यहाँ पिछले कई वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। ये पहले मंदिर बन चुका था, उसके बाद में हमें जब पता लगा तो हमारे माता पिता भी कहने लगे ये बहुत पुराना मंदिर है, इसलिए मैं यहाँ पर करीबन 5-6 साल से सेवा पानी कर रहा हूँ। और वैसे रहने वाला मैं यही राजपुर घास मंडी का, जो कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, सभी कुछ काम करता रहता हूँ, सफाई करता रहता हूँ। ये मंदिर जो है सभी का है और सबसे बोलते हैं, यहाँ पर भंडारा भी होता था। सन 1940 से 84 तक भंडारा
होता रहा। अब 84 के बाद यहाँ पर भंडारा नहीं होता है, अब ये मंदिर के नाम से ये पूरे भंडारे हो करते हैं। शिवरात्रि को भी होते हैं भंडारे, सब जब भी मन में आ गए तभी भंडारा होता है, या बहुत दीपावली को भी होता है। और मंदिर वैसे तो लोग कराते ही रहते हैं। कब इसका नवनिर्माण किया गया उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये पुराना मंदिर था, उसके बारे में यहाँ पर जो निर्माण करा गया है सन 1917 में, ये यहाँ पर माँ केशवर का ये मंदिर निर्माण करा गया है। उसके बाद में यहाँ पर बड़े बड़े मूर्ति आई हैं, उसको स्थापना करा है। राम सिंह जी, इस स्थली पर, इस मंदिर में कई साधु संत या महात्मा यहाँ तपस्या करने आए होंगे, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए। यहाँ बाबा मंगत राम जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ दिन तक तपस्या करी, तो उन्होंने भी एक आम का पेड़ के नीचे उन्होंने एक तंबू लगाया, और यहाँ पर आम के पेड़ में अभी भी कील गड़ी हुई हैं। वो यहाँ सर चले गए, ये नहीं पता वो कहाँ गए। उनके नाम से यहाँ पर सत्संग करने लोग आया करते हैं कि बाबा मंगत राम के। अच्छा बाबा जी, यहाँ एक पुरानी बावड़ी भी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि इसका पानी कहाँ से आता है और क्या इसके पीछे का जो इतिहास है? यहाँ पानी की जो बावड़ी है बहुत पुरानी है, यहाँ पर पानी कहीं से भी नहीं आता है, यहाँ कुदरती ही पानी निकलता है। उसी पानी को लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी पानी से यहाँ भंडारा होता है। पानी इस बावड़ी का ख़त्म कभी नहीं होता है, चाहे इतना बड़ा भंडारा हो। इसी मंदिर के पास में एक मंदिर और है, केलाघाट शिव मंदिर, तो लेकिन वो आज बड़ा जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है और उसकी कोई देखरेख नहीं है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? केलाघाट में जो मंदिर बना है उसकी देखभाल में कोई भी नहीं है। जिसने ज़मीन खरीदी उसने भी कुछ निर्माण नहीं किया उसमें। वहाँ पर जो भी रंग भरा गया था, किसी मथुरा वृंदावन से लोग आए थे, उन्होंने इसमें रंग भरा। मैं भी काफ़ी साल रहा केलाघाट में, भी मैंने 17-18 साल भाग लिया। जो बगीचे का मालिक है वहाँ पर मैं देखता रहा, सफाई भी करता रहा, वहाँ भी सफाई करी मैंने, लेकिन किसी ने वहाँ पर सफाई करने का नाम नहीं। आज मैं 17 साल बगीचा लूँगा, अब भी मैं केलाघाट छोड़ के तुलतुलिया में। तो आज हमने देखा जंगलों के बीच में बसे इन मंदिर समूहों के बारे में, केलाघाट मंदिर जो आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और तुलतुलिया मंदिर जो जिसका पुनर्निर्माण किया गया है और जिसको महादेव महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है।